गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये देखिए श्रीनगर की सुबह कितनी ब्यूटीफुल है। और अभी हम लोग डल लेक में हैं, तो डल लेक का नज़ारा बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन उमदा है। और यहाँ पे दोपहर में गर्मी हो रखी थी और अभी मतलब थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रखी है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और हम लोग ये जो बोट आपको दिख रहा है, इसी बोट में हम लोग जाने वाले हैं। जो लोग यहाँ पे रुकते हैं उन लोग को वापस ड्रॉप करके, जैसे मॉर्निंग में जब भी चेकआउट करो तो यही ड्रॉप करके आता है। तो हम लोग अब निकलने वाले हैं। तो निकलने से पहले मैंने एक बार बोट वाले को बोला कि मुझे हल्का सा राउंड लगाने के लिए, तो इन्होंने थोड़ी दूर के लिए हमें लेके आए हैं मुझे। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है और इसी से हम लोग अब बस थोड़ी देर में सब लोग रेडी हो चुके हैं, निकलने वाले हैं। तो आज हम लोग यहाँ से गुलमर्ग निकल रहे हैं, चलता फिलता मार्केट। नहीं, कैसा लगा यहाँ आके आप लोगों को? बढ़िया, बोट हाउस का एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा था। गर्मी, बारिश और होती गर्मी, गर्मी तेज थी बहुत ज्यादा, लेकिन रात को तो ठीक लगा। रात को गर्मी नहीं लगा, ऐसे रजाई ओढ़ के सोना पड़ा, फिर ठंडा हो गया था ना। आप कुछ बोलना चाहेंगे मैडम साहब? अब हम जा रहे हैं सो अब हम गुलमर्ग के लिए निकलने वाले हैं बोट से। भैया वो भी पीछे, एक बचा हुआ वहाँ पे। तो कैसा लग रहा है गुलमर्ग जाने वाले हैं हम? हाउ इज योर बोट एक्सपीरियंस? बोट का तो अच्छा नहीं था भाई, गुलमर्ग ठीक होगा। होप सो। यहाँ पे पैकिंग चल रही है गाड़ियों की, बस थोड़ी देर में हम रवाना होने वाले हैं। राइडिंग सीट्स गंदे हो गए हैं और हमें टाइम भी नहीं मिला यहाँ की वादियों को देखने में, हम रह गए हमारे। हाँ, तो ऑटोमेटिक बिल में आएगा। तो यार नेट बंद हो गया, चल ही नहीं रहा, बोल रहा नेट खत्म हो गया, रिस्टार्ट कर लो। चले भैया जी, गाड़ी में बैठ गए। बैठ रही हो आप? नहीं वो भैया तो भी बैठ गए गाड़ी में। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के रास्ते में बीच में ऐसे ऐसे इलाके आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम लोग पाकिस्तान में आ गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, पूरा उर्दू में लिखा हुआ है और बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसे अजीब अजीब से पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो देख के लग रहा है जैसे भैया मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। तो ऐसा सभी जगह पर नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर है। और अभी पीछे जगह आया था और एक जगह नहीं, बहुत जगह। और अब यहाँ पे एक कश्मीर का काफ़ी फेमस मार्केट आया है, ऊपर नाम लिखा हुआ था उर्दू में कुछ, लेकिन काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी मतलब हैपनिंग सा, काफ़ी कलरफुल सा मार्केट है, काफ़ी भीड़ भाड़ एरिया है ये। और दोनों तरफ ही देख सकते हैं कितना कलरफुल सा लग रहा है। तो लगता है ये कोई फेमस मार्केट है यहाँ का। और ये देखिए फिर से पाकिस्तान टाइप का कुछ यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर बीच बीच में ऐसी जगह आती जा रही है जहाँ पर सिर्फ ब्लैक झंडे और ब्लैक। ठंडी हवा का झोंका आया जो मुझको, हाँ आया गुलमर्ग के नज़ारे। ओहो हो, अलग अलग फ्रूट्स, क्या क्या है यहाँ पे यार। शुरू हो गया है गुलमर्ग, यहाँ से गुलमर्ग बचा है लगभग 12 किलोमीटर। और मौसम में भी थोड़ा सा चेंज फील हो रहा है, हल्का हल्का ठंडापन, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। चलो बताएंगे, हम साथ में ही है। ये लोग बोल रहे हैं कि पहले जैसे कुछ खा लेते हैं, पास ही आ गया ना गंदोला, तो
शार्प कट बहुत शार्प हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। अरे ट्रक आ रहा भैया, देख के बहुत तेज चल रहा है वो भैया। गुलमर्ग 7 किलोमीटर अहेड, खाने पीने की रास्ता नीचे ही रह गया है, खाने पीने वाला जगह नीचे। दिल ले गया यार, उस तरफ फूल ही फूल फ्लावर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल एरिया है यार ये, मतलब देख सकते हैं आप, ऐसे लग रहा है मतलब फूलों के बिल्कुल वो है गार्डन फूलों का। और गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाह, और अलग ही यार, लेवल ही अलग है, पूरा पहाड़ और उस पर वाइट वाइट फूल। हाय 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 हाय, ब्यूटी यार, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, बहुत ही सुंदर नज़ारे। मुझे लोकेशन थोड़ी चलेगा, गुलमर्ग में घुसते ही यहाँ पे भीड़ लग जाएगी आपको, कोई बोलेगा राइड कर लो, कोई ये कर लो कर लो, बहुत सारे लोग पीछे फट जाते हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान के रखें। यहाँ पे इस चीज़ का स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। घर अपने हा? अपने घर, कोई बात नहीं, घर यहाँ से सर, कोई बात नहीं। पार्किंग में गाड़ी लगा साइड में, उतरो, बाइक अलाउड है ना, किधर जाना पड़ेगा, यहाँ से घोड़ा चलता है सर, यहाँ से घोड़ा चलता है। अरे ठीक, हाँ टिकट है गंडोला का, हाँ फर्स्ट फेज में आपको बर्फ नहीं मिलेगा, सेकंड फेज बंद है, बंद है, यहाँ से हम आपको घोड़ा देगा, घोड़ा में घोड़ा हो जाएगा। अरे बंद करते हैं तो मन खराब हो जाता हमारा, हम चालू रखते हैं। क्या ऊपर अलाउड है? वो रहा ना टूरिस्ट इंफॉर्मेशन वाले से, वहाँ से बात करके आता हूँ। उतरो उतरो रूही, अरे रूही उतरो यार, बात करके आऊँगा। क्या मैं इंफॉर्मेशन वाले से बात कर जाता हूँ, अपने दिमाग को शांत रखें और अपने दिमाग से काम करें। यहाँ पे जस्ट आगे गाइड इंफॉर्मेशन का एक स्पॉट बनाया हुआ है जो गवर्नमेंट का है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, घोड़े वाले हैं, गाइड है, हेल्पर है, ये लोग यहाँ पर काम करते हैं, इनका रोजी रोटी बिल्कुल इस चीज़ पर निर्भर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमारा रेड बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, रेड बोर्ड आपने चेक करना है, चेक करने के बाद उस बंदे का आप आइडेंटिटी प्रूफ देखिए, और फिर कोई एडवांस पेमेंट तब तक आप नहीं देंगे जब तक आप बिल्कुल अच्छी तरह से वापस नहीं आएंगे। उस सूरत में अगर कोई आगे चीट करने की कोशिश करे या मिसबिहेव करे तो हम आपसे हेल्प कर सकते हैं, अगर आप पहले ही दे चुके हाँ तो फिर कोई फ़ायदा फिर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो रेड शीट वाला यहाँ लगी, रेड शीट वाला वो सामने वो ग्रीन बोर्ड है ना, ठीक वहाँ पर आप रेड बोर्ड। यहाँ की
गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी ने प्राइस सीट लगा रखी है और सर्विसेज हैं यहाँ पे। सैलेज फोटोग्राफी प्राइस रेट फॉर द कार को भी, तो यहाँ से आ जैसे गंडोला राइड के लिए हम लोग 1 किलोमीटर ही पैदल वॉक कर सकते हैं और उससे जा सकते हैं, और बाकी दूसरा ऑप्शन है ये जो आपको सामने दिख रहा है, जैसे पौनी टेल राइड बोलते हैं लोग, खच्चर की जो राइड होती है उसके थ्रू जा सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जिससे आप लोग आएँ तो सारी चीज़ें पहले से आपको पता हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो करना पड़े। और इनके ट्रैप में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं, जैसे 500 की जगह पे आपके दुगने तिगने प्राइस ले लिए जाएंगे, तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। वादियाँ बहुत अच्छी है, ठंड थोड़ी मतलब जैसे ढूंढ रहे थे वैसी ठंड तो नहीं है यहाँ पे, और फेज़ 1 ही ओपन है, फेज़ 2 ऑफ है। हाथ तो हम लोग गुलमर्ग में पहुंच चुके हैं गंडोला राइड के लिए और हमने फेज़ 1 का टिकट लिया है। तो फेज़ 1 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री होता है, ये गेट है, यहाँ पे आपके टिकट चेक करेंगे और इस वाले राइड को ही गंडोला राइड बोलते हैं। तो इसमें हम लोग बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है इस राइड का, क्योंकि गंडोला राइड काफ़ी फेमस है यहाँ का। जब एक महीना फंसी रहेगी ना इसमें हेलीकॉप्टर से लेने आई मिलिट्री उसका चार्ज थोड़ी है, दीपक जी अलग से माधव का देवी ज्यादा चल जाता है यार, वो तो देखा नीचे पीछे नीचे देखो भैया राजू जी, वो तो देखा नहीं रंजन भाभी बेटी जाने पर क्यों आए, बीच वाली डंडी निकाल दे जरा। अच्छा तो हम लोग गंडोला राइड करके हम लोग ऊपर टॉप पे आ गए हैं, ये फेज 1 है और अगर आप फेज 2 पे जाएंगे तो इससे भी ऊपर है, अभी फेज 2 बंद है। बाय बाय गुलमर्ग, देखिए सामने तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं गुलमर्ग से और हम फिर इसके बाद यहाँ से जाएंगे पहलगांव। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही और नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग गुलमर्ग से सीधे निकलेंगे पहलगांव के लिए जो कि वहाँ यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर 145 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन पहाड़ों का रास्ता है तो टाइम जाने में 4-5 घंटा लग जाएगा हमें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग इन्जॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।